मास्टरी कितना सपना है कि इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी ले ली तो भगन में जो होता है उन्हीं का चल जाता ही पड़ता है। ज्ञान भवन में सीएम नीतीश और तेजस्वी की अहम बैठक। इस बैठक में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर काफी चर्चा किया गया। 20 राज्यों के इंजीनियर भी उसमें शामिल रहे, जिसमें सीएम नीतीश ने दिल्ली के बारे में कहा, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा कि बगल के राज्य यानी दिल्ली से प्रदूषण बढ़ता है तो बिहार में भी उसका असर देखा जा सकता है। मैंने पहले ही मना किया था फ्लायर को न जलाए, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण का दबाव बिहार में पड़ता है। सीएम नीतीश ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला कहा, क्या कुछ करे जरा सुनिए। पटना में भी इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी ले ली, समझ गए, और हम सब जगह लोगों को अलर्ट किए रहते हैं। और आप सबको मालूम है कि कितना बार हम 18 से ही कितना लोगों को समझाए, 18 से ही कितना समझाए कि जलाइए मत। तो ये सब हम आज से कह रहे हैं लोगों को, और पूरे तौर पर सब लोगों को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी हमने कह दिया, पूरे तौर पर देख लीजिए। और जो दिल्ली का होता है वो तो बगल में जो होता है उसी का चलते असर ही पड़ता है, यही सबको समझना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का विलय हो जाएगा। तो आपने सुना कि सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ती है तो उसका बिहार में भी असर होता है। 20 राज्यों के 20 इंजीनियर उसमें शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए इन सारी चीज़ों की जानकारी दी। और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि 5 साल पहले से ही मैंने मना करते आया कि प्लांट को न जलाएं, जलाने से प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ता है और दिल्ली में प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको लेकर बिहार में भी असर देखने को मिलता है।